नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर प्रेमा चौधरी। आप सभी का स्वागत है। होम्योपैथी से संबंधित सभी जानकारी के लिए सब्सक्राइब बटन को दबा लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। अगर हम नोटिस करते हैं कि पेशेंट के माउथ खोल के जब हम देखते हैं तो उसमें एब्सेस नजर आ रहा है और उसकी वजह से जो है पेशेंट को दांतों में दर्द है, तो उसके हिसाब से मेडिसिन जो है आपको चेंज करनी पड़ेगी। जैसे अगर एब्सेस मसूड़ों में है, मसूड़ों में जस्ट फ्रंट में आपको मुंह खोलते ही अगर एब्सेस दिख रहा है, तो उस तरह के एब्सेस के लिए आप यूज करेंगे हेक्ला लावा मेडिसिन। हेक्ला लावा मेडिसिन के अन्य सिम्टम्स जो है वो है कि पस वाले एब्सेस जो है वो मसूड़ों में होते हैं, मसूड़ों और दांतों में तेज दर्द रहता है। इसकी वजह से फेशियल न्यूरेलजिया रहता है, यानी चेहरे में जो है दर्द रहता है, जो जबड़े हैं उनमें सूजन आ जाती है, मैक्सिलरी बोन जो है वो इनलार्ज हो जाता है, सर्वाइकल ग्लैंड्स जो है वो इनलार्ज मिलते हैं, स्पॉन्जी गम्स होते हैं जिसमें से इजिली ब्लीड होता है। हेक्ला लावा जो है वो उसमें बोन्स जो है वो भी प्रभावित होते हैं आसपास के। इस तरह का अगर सिम्टम है तो उसमें आप हेक्ला लावा मेडिसिन का यूज करते हैं। लेकिन यही एब्सेस अगर दांतों की जड़ों के पास है तो ऐसी कंडीशंस में साइलिसिया मेडिसिन यूज की जाती है। साइलिसिया मेडिसिन में आपको देखना है कि फाउल ब्रेथ के साथ में अगर इस तरह का एब्सेस है जो दांतों की जड़ों के पास है और उस एब्सेस का ओपनिंग नहीं बना है और पस उसमें भरा हुआ है जिसकी वजह से पेशेंट को सीवियर पेन हो रहा है, तो इस तरह की कंडीशंस में जो है साइलिसिया बहुत अच्छी मेडिसिन है। पर साइलिसिया मेडिसिन एग्रोवेशन करती है, तो साइलिसिया मेडिसिन देने के पहले जो है आपको कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है, नहीं तो ये मेडिसिन जो है वो एग्रोवेट कर सकती है, यानी आपको दूसरी तकलीफों में डाल सकती है। अगर आपके शरीर में कोई भी फॉरेन चीज लगाई गई है, मतलब कोई बाहरी चीज का प्रत्यारोपण किया गया है, जैसे अंग प्रत्यारोपण का केस है, घुटनों का रिप्लेसमेंट है, या फिर हार्ट में आर्टिफिशियल वाल्व लगाया गया है, इस तरह का अगर आपका केस है, या आपको पास्ट में कभी टीबी हुई थी या आपकी फैमिली में टीबी की हिस्ट्री है, तो ऐसे केसेस में साइलिसिया नहीं देनी है। साइलिसिया मेडिसिन है वो ट्यूबरकुलर केस में अगर हमें देना है तो पहले हमें स्टेफिसेग्रिया मेडिसिन या ट्यूबरकुलिनम मेडिसिन जो है वो देनी चाहिए, जिससे कि दांत का दर्द जो है वो सबसाइड हो जाए और कोई एग्रावेशन भी ना हो। दोस्तों, हमें अपने अनुभव के साथ साथ जो है बाकी जो डॉक्टर्स हैं उनके अनुभवों से भी सीखना चाहिए, इसलिए मैं जब फ्री रहती हूँ तो मैं दूसरे डॉक्टर्स के लेक्चर्स भी सुना करती हूँ, जिसमें मैंने डॉक्टर अली मोहम्मद का एक लेक्चर सुना था जिसमें उन्होंने बताया था कि अगर स्टेफिसेग्रिया सीएम की एक डोज देने के बाद हम साइलिसिया देते हैं तो एग्रावेशन भी नहीं होता है और पेशेंट को बहुत इमीडिएट रिलीफ मिलता है दांत के दर्द में, तो इस तरह के केसेस में हम ऐसे दे सकते हैं। दोस्तों, अगली मेडिसिन इसकी है हिपरसल्फ। हिपरसल्फ मेडिसिन जो है बहुत ज्यादा सेंसिटिविटी के साथ दांतों में अगर दर्द है, पस बन रहा है, एब्सेस है, तो उसके लिए अच्छी मेडिसिन है जो पेशेंट के एब्सेस को भी ठीक कर लेती है और किसी तरह का एग्रावेशन भी नहीं करती। हिपरसल्फ के केसेस में जो है बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है पेशेंट, छूने ही नहीं देता दर्द की वजह से। इस तरह का अगर कंडीशन होता है, छूने से अगर तकलीफ बढ़ जाती है, इस तरह के गम्स होते हैं जो आसानी से ब्लीड करते हैं जिनमें से पस आता है, तो ऐसे केसेस में हिपरसल्फ एक अच्छी मेडिसिन है जो दांत के इस तरह के दर्द से राहत दे सकती है। अगली मेडिसिन है पायरोजिनम। अगर एब्सेस के साथ में फीवर आता है और फीवर के साथ में पस और दर्द और बॉयल बना हुआ है, तो इस तरह के केसेस में फीवर के साथ में अगर ठंड लग के बुखार आ रही है, साथ में दांतों में सीवियर पेन है और साथ में एब्सेस बना हुआ है जिसमें पस भरा हुआ है, तो उसमें पायरोजिनम मेडिसिन जो है वो देनी चाहिए। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स जो है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।